नमस्ते जी, हेलो फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिवाइन एस्ट्रोलॉजी ऑफ एमन भट्ट। टुडे आई एम जस्ट शेयरिंग माय एक्सपीरियंस टुडे इटसेल्फ विथ अ चार्ट वेयर आई सी अ फेमस रोल ऑफ नक्षत्र। इट इज इन चंद्रकला नाड़ी एंड इट इज वेल established by legendary C.S. Patel sahib. So let me share with you the screen, the chart itself. Name is changed. Okay. This is a chart. This is a very short video and I am just explaining the basics. Principle, technique, you can say technique, method, rule, whatever it you want. But the moment I see the chart today itself in the evening, 6 o'clock, so I take up this chart for this video so that it will not skip my mind. In this chart, I see that this little boy is might have a diseased body. The disease is chronic and maybe it is a genetic disease. So I think the pran sankat mein hai is bacche ka. So bada simple sa rule diya hai chandrakala nari mein hai aur ye cs shri legend cs patel sahab ne bhi se एलाबरेट किया है उनकी नौमास एंड नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में शायद, या कोई गुजराती बुक है मैंने पढ़ा था, चंद्रकला नाड़ी में भी है वो शायद। तो यहाँ उसको हम देखते हैं कि जैसे ही चार्ट देखा तो मेरी गुजर गई कि बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन है। अष्टमेश शनि उसका नक्षत्र है अनुराधा, यानी कि इसका दशा स्वामी है सन, और उसका एसेंडेंट जो है मेरा वो पुष्य में है। और अगर हम केतु को नक्षत्र दे सॉरी राशि दे तो ये वृश्चिक है बीपीएचएस के हिसाब से। तो केतु उत्तरा भाद्रवा है यानी कि शनि में, तो अष्टमेश ने प्राण को दूषित किया। वैसे शनि तो आयुष्य कारक है, लंबा आयुष्य देता है, लेकिन यहाँ प्राण संकट में है, डिसीज का कारक है अष्टमेश है यानी क्रॉनिक। केतु को हम पंचमेश लें या अष्टमेश के नक्षत्र में लें, दोनों तरफ के द्विधा उत्पन्न हो जाए, यानी कि एक शुभ भी है एक अशुभ भी है। पंचमेश शुभ है और शनि के नक्षत्र में अष्टमेश के नक्षत्र में होने से अशुभ भी हो जाता है, और नव पंचम के योग में है प्राण से देखो एसेंडेंट, एसेंडेंट पुष्य में शनि अष्टमेश अनुराधा में और केतु उत्तरा भाद्रवा में, तीनों शनि में अष्टमेश के नक्षत्र में आने से ये क्रॉनिक डिसीज हो गया। सिर्फ मुझे एक दो मिनट लगे उसको देखने के लिए और मैंने बोला कि ये है। तो ये फेमस रूल है कि जब एसेंडेंट या एसेंडेंट लॉर्ड अष्टमेश के नक्षत्र में आते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन वीक हो जाता है और डेंजर टू लाइफ हो जाता है। उसका रेमेडी क्या है, उसमें शनि जो है वृश्चिक राशि में है, इवन राशि में है, बेसिकली माता जी आएगी महाकाली, आप दुर्गा ले सकते हो चंडी ले सकते हो, इट इज अप टू योर प्रेफरेंस। केतु है तो कार्तिकेय ले सकते हैं सबसे बढ़िया, अगर कुछ महाविद्यालय लेना है तो वो नहीं दे सकते, उपदेश नहीं कर सकता मैं,
महाविद्या का मैं जानकार नहीं हूँ, तो आप उसके गुरु के पास जाना चाहिए। छिन्न मस्तायगी न केतु भैसो। तो यहाँ बेसिक प्रिंसिपल्स जो है वो ये है कि अष्टमेश के नक्षत्र लग्न या लग्ने से आता है तो बॉडी वीक हो जाती है, डेंजर हो जाता है, रोग का भय हो जाता है, जीव को प्राण संकट में आ जाता है। उन्होंने मुझे बताया भाई उसको क्रॉनिक डिसीज है और डॉक्टर ने बोला कि 2 साल के बाद बेड पे आ जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कि भाई मदद करेंगे ये देवता, कुछ ना कुछ दवाया मेडिसिन, प्रार्थना उपाय जब सभी प्रार्थना करते हैं, मैं भी प्रार्थना कर रहा हूँ कि भाई ये बच्चे को थोड़ा आराम मिले और वो रिकवरी करे और आगे बढ़े। तो नमस्ते, इतना ही है, मैंने ज़्यादा कुछ वर्ड फाइल का कुछ बनाया नहीं, ये सीधा ध्यान में आया तो बनाना, मैंने चार्ट बना के डिस्कस कर लिया है। निर्घ्न शुभम भवतु, कल्याण मस्तु, निरामय दीर्घ आयु आरोग्य मस्तु, शिवं कर्मास्तु, कर्म समृद्धि रस्तु, इति आशीर्वादः।